गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह उठ चुकी हूँ मैं और ये मैं ब्रश कर रही थी। उसके बाद मैंने हनी का टिफिन वगैरह बनाया और यहीं से मेरी होती है मॉर्निंग की स्टार्ट। इसको ऊपर पूरा जाने में भी आलस है। हाँ आज बाहर से आ जाइए, मेरे को टॉय दे दो, मेरा है। मेरे काम बेटा उससे डर गए। हम दोनों ने कर ली है दोपहर की नींद पूरी और ये उठते ही मुझसे करवाता है प्यारी। प्यारी कैसे कराती हूँ मोमोशे प्यारी मैं इसको छत पे ले गई हूँ सुसु कराना। सुसु तो इसने कर लिया, अभी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। चलो चलो, पता नहीं और कितना सुसु है इसको। चलिए देख देख देखो, चलो बाबू चलो, गुस्सा नहीं, चलो नीचे उतरो नीचे। मैं जा रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पे गोभी को ग्राइंड कर रही हूँ, इसलिए मैं अच्छे से उसको काट रही हूँ ताकि मैं उसको धो लूँ। क्योंकि गोभी में थोड़ा सा पानी होगा तो मैं इसको गैस पे अच्छे से थोड़ी देर सेक लेती हूँ ताकि सारा पानी वैपोरेट हो जाए। और ये सेकेंड लॉट मैं लगी थी दोबारा से ग्राइंड करने और फिर मैंने सब कुछ कढ़ाई में डाल दिया। और इसी के साथ मैं अपने लहसुन भी जो मैंने कूटे थे वो मैं कढ़ाई में ही साथ में फ्राई कर लेती हूँ इसी के साथ, और ठंडा करके फिर मैं प्याज डालती हूँ और हरी मिर्च हरा धनिया वो सब मैं बाद में एंड में डालती हूँ। तो कल मॉर्निंग में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पराठे बनेंगे। ये रही सारी गोभी और बस मुझे 5 मिनट भी नहीं इसको, बस थोड़ी देर इसको ऐसे फ्राई करना है, ड्राई रोस्ट कह लो, और उसके बाद ये तैयार है। इवनिंग का टाइम था, कपड़े ही सुबह ला के रख चुके थे बट मुझे टाइम नहीं मिला या मेरा मन नहीं था, ये की बात कह लो। तो अब मैं सारे कपड़े समेट रही हूँ काम किचन का ख़त्म करके। बहुत देर से कुछ ऐसा खास शूट नहीं हुआ है और आज भी कबर्ड साफ नहीं हुई है दोस्तों, इसलिए नहीं कि हिम्मत नहीं है, मन ही नहीं, और जब मन ना हो तो क्यों करें बता दो। सो जब मन होगा तब ही। गाइस हम लोगों का डिनर हो गया, 10:30 हो रहे हैं बट बाहर जाने का ऐसे मन हो रहा है क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया फाइनली, मतलब सैटरडे संडे। हाँ ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब देखेंगे कुछ, इसको भी ले जा रहे हैं भाई साहब ना, जान खाते हैं हमारी, लेट्स सी कहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही आसपास फॉर अ चेंज। यहाँ पे है कोई जिसको घर का खाना नहीं खाना, ये ऑस्टी लेके आया है, मैं सिर्फ टेस्ट करूंगी और ये लोग खाएंगे। ऑस्टी लेके आया है, हमें कह रहा है कि आज मैं पार्टी दूंगा, तो घाटे का ही। अभी हम यहाँ आए हैं और ये एक ये है, एक डॉग, एक भैंस, उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये इन्होंने नकली
ब्राउन शुगर दिखाया है, असली में पीछे वो जो पान की दुकान है, हम लोग वहां से पान लाना है, गुटखा चैनी कैनी। अशोक कुमार अंकल ने कहा है विमल ये काट दियो और ये भाई साहब रेस्टलेस, तुम कर लो व्लॉगिंग, एडिट तो मैं नहीं करनी है। लो अभी मैं पास्ता लाता हूँ। पास्ता पैक कराना? हाँ मतलब पैक हो गया। देख रहे ऑस्टी को कितनी भूख लगी, इसको वैसे मोमोज बहुत पसंद है, मतलब मोमोज ऐसे खा ले यार, खा ले पागल। भाई बहुत बुरा हाल है ऑस्टिन का, बहुत बुरा। मैं तेरे चक्कर में खा लूं, आपको कैसे पता लग जाता है मोमोज आए हैं? हां नो गाइस, घर पहुंच गए जैसे तैसे, और मुझे इतनी तेज बाथरूम आ रहे हैं, और गाइस मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, बहुत तेज बाथरूम। और सामान पकड़ना, तू दे दो, ऊपर भी नहीं चला जा रहा। मैं लेटी हुई और हनी नहा रहा है, हम आ गए थे बाहर से, तो इसको देखो, इसको भी बेड पे ले जाना, ये भी यही लेटा रहेगा, खेले खेलेंगे। जाओ और बुला के लाओ डेटा को। नो नो कहाँ है आपकी डेटा, जाओ बुला के लाओ। बेटा बेड पे कोई नहीं है, अब पागल हो दिमाग से, अभी तो खुद देख के आयो कहाँ है। गुड बॉय, अब खाना खिलाओ इसको। मैं नहीं दूंगा, अपने आप खाना पड़ेगा, पीछे नहीं आऊंगा मैं। दोनों के हाथ गंदे कर पाया, क्या ये पकड़ो मैं खिलाऊ गया। गाइस रात के 1:30 बजने वाले हैं और इसका ये नाइट केयर स्टार्ट हो चुका है। बस मैं सोने वाली हूँ लगा के, और मेरा नाइट रूटीन। गुड नाइट गाइस, बाय, बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।